हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू होलिस्टिक हैप्पीनेस। एंड ये हमारा डे थ्री है वाइज़ैग टूर का और आज हम वाइज़ैग सिटी टूर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है ऋषिगोंडा बीच। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम यहाँ पर आ गए थे और ये सी देखकर तो सच में ऐसा लगा कि अभी कूद जाऊँ नहाने के लिए। इतना सुंदर है ये, इतना पानी, इतना सीरीन लग रहा है। तो तुलसी तो देखा आपने, ले लहरें, इन लहरों को देख के ऐसा लग रहा है कि बस हम लोग इसी के ऊपर चले जाएं। वैसे स्विमिंग आती नहीं है मुझे, लेकिन मस्ती चढ़ गई थी बिल्कुल यहाँ पर। तो ये बीच ओवरऑल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही क्लीन था और यहाँ पे बेदिंग अलाउड है। आर के बीच में ये अलाउड भी नहीं था। तो ये हमारा जो आज का दिन का है टूर, प्राइस 2300 रुपये लिए गए थे और हमने एक AC कैब बुक किया था। तो यहाँ पे कुछ DSLR लेके भी बंदे खड़े रहते हैं जो कि आपकी अच्छी अच्छी पिक्स निकाल के देते हैं, पोजेस भी बताते रहते हैं। तो वैसे ही हमने कुछ पिक्स खिंचवाई थी और एक पिक का ओनली 20 रुपीज़ लेते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे कुछ पिक्स भी खिंचवा ली। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था भीमली बीच। तो ये बीच भी काफ़ी सुंदर है, दूर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे हम अंदर तक गए नहीं, यहाँ भी लोग नहा रहे थे। यहाँ की एक खासियत यह है कि यहाँ पे एक मरमेड स्टैचू है, वो रहा, वैसे दिख नहीं रहा दूर से, लोग उसके पास भी गए हुए हैं देखने के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है थुटलाकोंडा मोनास्ट्री। एक मोनास्ट्री है बहुत ही पुराने ज़माने का, अभी ज़्यादा कुछ इसमें बच नहीं गया है। गाइड हमने लिया नहीं था, लेकिन ऐसा चीज़ में देखने के लिए कुछ है नहीं, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा घूम के निकल आए। लेकिन इसके आसपास का जो एरिया है बहुत सुंदर है, जैसे ये वाला एरिया। हम लोग ऐसे ही कैब से उतर के हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स खींचे और ये सब सीनरीज देखे। आप सीनरी देखिए जस्ट, मतलब इतना सुंदर कर्व, मतलब सी लाइन इस तरह का यूजली नहीं दिखता। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा था आरके स्टूडियो। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी इस तरह की घर बने हुए हैं, कोठियाँ बनी हुई है, दुकानें वगैरह, लाइट हाउस, बहुत कुछ बना हुआ है जो कि शूटिंग में काम आता है। तो यहाँ पे सीरियल और फिल्मों की शूटिंग होती है। तो ये एरिया बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, आप पिक्स खींच सकते हैं। तो हमने भी इस तरह काफ़ी सारी पिक्स यहाँ पे खींची, पोज मार के जितनी हो सकती थी उतनी। दोपहर का टाइम था, थोड़ा सा धूप था, लेकिन फिर भी वी एन्जॉयड द डे थरली। ये देखिए सी कितना सुंदर लग रहा है, इतना ऊपर से शहर और सी, तो बहुत ही सुंदर यहाँ के। यहाँ पे तो आप जहाँ खड़े हो जाओ वहीं पे आप बिल्कुल पिक खींच सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा था इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, मतलब ये एक जू था। यहाँ पे मैंने ब्लैक स्वान देखा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज़ यहाँ पे शेर वेर तो सब जगह दिखते हैं जो कि सोए हुए रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, तो वैसे वाले शेर थे यहाँ भी। और नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था सिम्हाचलम टेम्पल। और ये टेम्पल जाने से पहले, एंट्री से पहले, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सी कितना सुंदर है, जो सी लाइन है वो इतना सुंदर है। और ये वीडियो देखिए, ऑसम, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। और ये जो एंट्रेंस है ये पूरा वुड का बना हुआ है और इसके अंदर शिव जी और पार्वती जी का बहुत ऊंचा मूर्ति है, वो रहा अराउंड 20 फीट ये मूर्ति होगी। तो हम ज़्यादा अंदर तक नहीं गए, हमने दूर से ही थोड़ा बहुत पिक्स खींच के आ गए। और ये नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है मैरीटाइम म्यूज़ियम। यहाँ पे शिप्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। उसके बाद ये TU-142 म्यूज़ियम है। यहाँ पे एक फ़ाइटर जेट जो कि रिटायर हो चुका है उसको म्यूज़ियम बना दिया गया, ये है ये जेट। ओवरऑल एरिया बहुत सुंदर है, बिल्कुल पार्क की तरह है। और यहाँ पे आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है एंट्री फीस, और बहुत ही ह्यूज ये फाइटर जेट प्लेन है। और इसके अंदर क्या है, मोबाइल ले जाना अलाउड है, मतलब आप वीडियो फ़ोटोग्राफी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने छोटी सी एक वीडियो यहाँ पे की है। तो वैसे इसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, सब मशीनरीज ही अंदर है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो कर लिया जाए। ऐसे इस फाइटर जेट के अंदर हम कौन नहीं जा पाते हैं यूजुअली, तो हमने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे कर ली। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि इस जगह पे आप ऐसे ही घूमने आ सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इस शिप के अंदर भी जाएं। इसके आसपास का एरिया इतना सुंदर है, इतना वेल मेंटेन्ड है, आप नॉर्मली ऐसे फैमिली को लेके घूमने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये बाहर से इसका व्यू है और ये देखिए आसपास का एरिया कितना सुंदर है, कितना वेल मेंटेन किया हुआ है। और ये इसके बाद हम नेक्स्ट हम गए सबमरीन म्यूज़ियम में। और ये यहाँ का फुटपाथ है, आप देखिए कितना क्लीन फुटपाथ, और कहाँ दिख सकता है ऐसा, मतलब कोलकाता में तो हो ही नहीं सकता। तो
तो ये सबमरीन म्यूज़ियम में जो है फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो बाहर से हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की, ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, यही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था डॉल्फिन्स नोज लाइट हाउस। तो ये थोड़ा दूर था, हम लोग काफ़ी सारा ट्रैवल करके यहाँ तक गए लाइट हाउस में, लेकिन यहाँ से जो व्यू है ना सी का, बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग व्यू है। ये एक विंडो से हमने लिया है, और यहाँ दूर जो बीच वो एक यरादा बीच है, वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाए। और ये जो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये नेवी यूज़ करती है अपने हिसाब से। तो दूर तक कोहरा छाया हुआ है और इतनी हवा चल रही है ना, बिल्कुल बात नहीं कर सकते आप ऐसा। तो यहाँ पे हम यहाँ से बाहर निकलते हुए हमने एक दो पिक खींची, फिर हम वापस आ गए अपने होटल में सी एस्ता। तो हमने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम अगर हम वाइज़ाग जाएंगे तो वापस सी एस्ता में रुकेंगे और बीच का मज़ा लेंगे, डिफरेंट बीचेस में जाएंगे और वहाँ पे सारा दिन काट देंगे। बहुत ही सुंदर ये हमारा जर्नी रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।